हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा वो बहुत ही इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में, जिसको प्रैक्टिकली फील करने के लिए मैं उसको बोलूँगा आधार कार्ड नंबर। जैसे इंडिया में किसी पर्सन को सर्च करना हो तो उसका आधार कार्ड नंबर मालूम होना चाहिए, वैसे ही एटम में किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना हो तो उसका क्वांटम नंबर मालूम होना चाहिए। इसलिए हम क्वांटम नंबर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज गिवेन बाय क्वांटम नंबर। अगर आपको क्वांटम नंबर मालूम है तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मालूम है, डैट मीन्स वो कौन से शेल में होगा, कौन से सब शेल में होगा और कौन से ऑर्बिटल में होगा, किस ओरिएंटेशन में होगा, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। इसीलिए जो क्वांटम नंबर हैं वो टोटल 4 हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है फर्स्ट, सेकेंड इज एजीमिथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। देयर आर 4 क्वांटम नंबर, तो नेम आपको याद रहेगा। नाउ इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सबको स्मॉल लेटर से करते हैं। प्रिंसिपल को स्मॉल n से, एजीमिथल को l से, मैग्नेटिक को m से, स्पिन को s से। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, राइट। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो डिनोट क्या करता है, क्या बताता है, तो वो किसी भी एटम में शेल या ऑर्बिट को बताएगा। ध्यान दे, ऑर्बिट, राइट। वैसे ही एजीमिथल क्वांटम नंबर सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल ओरिएंटेशन को, एंड स्पिन क्वांटम नंबर रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डैट इज क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, उसको बताता है। नाउ अगेन, सबसे पहली चीज़ कि सर इसको कैसे याद रखेंगे, तो वेरी सिंपल ट्रिक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से। ये 4 क्वांटम नंबर का सिंबल कैसे याद रखेंगे, NLMS, राइट। फिजिक्स में एक चैप्टर है न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस, उससे याद रख सकते हो। सेकेंड थिंग कि सर इसका प्रैक्टिकल फीलिंग बताइए, तो इसकी प्रैक्टिकल फीलिंग इधर है। जो शेल या ऑर्बिट है वो एक्चुअली मैं उसको क्या बोलूँगा, फ्लोर। जैसे बिल्डिंग में एक फ्लोर होते हैं, राइट, फिर उस पर टाइप्स ऑफ रूम होते हैं, फिर उस रूम के अंदर नंबर ऑफ रूम्स होते हैं, राइट। बिल्डिंग सबको मालूम होता है क्योंकि बिग लेवल पे होते हैं, इजीली आंखों के सामने दिखता है, तो सब कुछ समझ में आता है। लेकिन एटम में कुछ दिखता नहीं है, तो इसलिए सब ब्लैंक हो जाता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैंने कनेक्ट कर दिया है कि एटम में जो शेल या ऑर्बिट है वो हमारे लिए बिल्डिंग में क्या है, फ्लोर है, राइट। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड सो ऑन। वैसे ही जो सब शेल है वो उसको मैं क्या बोलूँगा, टाइप्स ऑफ रूम्स है, डैट इज 1BHK, 2BHK, 3BHK, क्योंकि इससे प्रैक्टिकल फीलिंग आ जाती है। वैसे जो ऑर्बिटल है उसको मैं क्या बोलूँगा, रूम्स बोलूँगा, राइट। तो यहाँ पे ये पॉइंट है आपका कनेक्शन का। नाउ इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू ऑलवेज एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, और ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से होगा आपका, 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, राइट। तो वेरी सिंपल हो गया, जैसे बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वैसे ही एटम में जो शेल या ऑर्बिट होंगे वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू तो क्लियर हो गई। सेकेंड थिंग कि जो एजीमिथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू ध्यान देना बेटा, ऑलवेज स्टार्ट्स होगा 0 से स्टार्ट करना ऑलवेज, और एंड कहाँ पे करना है, जितना n की वैल्यू होगी, जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी उससे एक कम पे रोक देना है। बात समझ में आ गई। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, तो एजीमिथल क्वांटम नंबर डेट इज l पे। तो l की जो भी वैल्यू आप लोगे तो -L to +L तक आपको बताना है, डैट मीन्स बिल्कुल ये नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको थिंक करना है। बीच में ओरिजिन 0 हो गया, इधर 1, इधर 2, इधर 3, तो इधर -1, -2, -3, लाइक दिस। तो -L to +L का मतलब क्या हो गया कि अगर सपोज करते हैं l की वैल्यू 1 है, तो -1 to 1 में कौन कौन आ गया, -1, 0, 1, ये वैल्यूज को आपको पिकअप करना है, समझ के बाद। और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, फिक्स है, आइदर -1/2 या +1/2, ये फिक्स है। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करते हैं कि मेरे लिए जो n की वैल्यू है, डैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर की वैल्यू, वो 4 है। अगर ये 4 है तो ये एक नंबर हो गया, राइट। बट अब l की वैल्यू, एजीमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, स्टार्ट करना 0 से, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड 3 हो सकता है। कैसे, स्टार्ट्स फ्रॉम 0,
एंड्स एट n माइनस वन, तो चार था उससे एक कम तो तीन, तो डैट मीन्स ध्यान से देखो शेल नंबर फोर होगा बट उसमें एज ए मिथोल क्वांटम नंबर की वैल्यू ये चार पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, जीरो भी हो सकता है, वन भी, टू भी, थ्री भी, ये एक नंबर होगा बट ये चार नंबर पॉसिबल है यहाँ पे। तो ऑलवेज स्टार्ट करना जीरो से, एंड करना n माइनस वन पे। अब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आएगी, जीरो के करस्पॉन्डिंग माइनस जीरो टू जीरो में देख लो, माइनस जीरो टू जीरो में एक ही वैल्यू डेट इज़ जीरो, इसके करस्पॉन्डिंग अगर लोगे तो माइनस वन टू वन में कौन कौन है, माइनस वन, जीरो, वन, तो जीरो फिर से आ सकता है इसलिए ध्यान देना राइट, जो बताया उसके अकॉर्डिंग। वैसे ही अगर टू के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो माइनस टू 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 में कौन आ रहा है, ध्यान से देखो, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, ये सारे लिखना आपको। और सिमिलरली थ्री के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा, तो माइनस थ्री टू थ्री, तो माइनस थ्री टू थ्री में माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो जैसे देखो जीरो 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 सब में आ रहा है राइट, इसमें वन नहीं है, माइनस वन नहीं है, यहाँ पर आएगा, तो एक ही नंबर रिपीट हो सकते हैं, कंडीशन इज कि इसकी एक वैल्यू होगी, इसकी एक वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है और फिर इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये, डैट मीन्स ये इस पर डिपेंड कर रहा है और ये इस पर डिपेंड कर रहा है, समझ के बाद। और ये हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, हर वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग माइनस हाफ या प्लस हाफ होगा, जितनी भी वैल्यूज मैंने इसमें लिखा है सबके करस्पॉन्डिंग माइनस हाफ या प्लस हाफ होगा, तो ये एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। ट्रिक का जो दूसरा पॉइंट है बेटा कि ये चीज़ें फिक्स हैं, इसलिए ये माइंड में बैठा लेना, कहीं पे भी अगर L की वैल्यू जीरो हो रही है, डैट इज एजिमिथोल क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो है, तो वो आपका S सबसेल है, फिक्स हो गया राइट, L जीरो होते ही S सबसेल, सिमिलरली L वन होते ही P सबसेल, L टू होते ही D सबसेल, L थ्री होगा तो F, L फोर होगा तो G, L फाइव होता तो H एंड सो ऑन। तो इसलिए ऑलवेज ध्यान रखना हमारा काम एस पी डी एफ तक ही बन जाता है बट आगे भी जाया जा सकता है। तो वेरी सिंपल, क्योंकि एजिमिथोल क्वांटम नंबर की वैल्यू फिक्स होते ही सबसेल आपका फिक्स हो जाएगा, कहीं पे भी एल टू है तो फिक्स है वो डी होगा और कुछ नहीं हो सकता राइट। तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ जो शेल होंगे या ऑर्बिट वो नंबर ऑफ सबसेल के बराबर होंगे, तो इसको मैं एक सिंपल आपको प्रैक्टिकल फीलिंग से बताता हूँ, डैट मीन्स जितना फ्लोर नंबर होगा उतना ही उस पर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रूम होंगे, जितना फ्लोर उतने ही टाइप्स के रूम, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर तो फ्लोर का नंबर वन तो उस पर टाइप्स ऑफ रूम वन होंगे, वैसे ही सेकेंड फ्लोर तो सेकेंड फ्लोर मतलब फ्लोर नंबर टू तो उस पर दो टाइप्स के रूम होंगे राइट। जैसे ये चीज़ प्रैक्टिकली फील कर सकते हो, चूँकि बेस को बहुत मजबूत बनाना है तो फर्स्ट फ्लोर पर एक ही टाइप के रूम, सेकेंड फ्लोर पे दो टाइप के लाइक वन बी एच के, टू बी एच के, थर्ड फ्लोर पे गए तो थ्री टाइप के मतलब वन बी एच के, टू बी एच के, थ्री बी एच के राइट। एक बार एस स्टार्ट हो गया तो वो स्टार्ट होते रहेगा हर फ्लोर पे, वैसे ही पी जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर उसके आगे का हर फ्लोर पे पी रहेंगे। तो वेरी सिंपल है, ध्यान से समझो, फर्स्ट फ्लोर पे ओनली वन टाइप सबसेल है डैट इज एस, सेकेंड फ्लोर जितना फ्लोर नंबर तो उतना आपको कट मार देना है, सबका मैंने बेस बनाया उतना कट मार दिया, तो एक कट मारा, ध्यान से देखो दो घर बने, एक का नाम एस, एक का नाम पी। अगर मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ तो तीन हो गया, तो तीन कट बोल दे, बोलने का मतलब तीन घर बना दिया राइट, और एक का नाम एस, एक का नाम पी, इसका नाम डी। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहा है कि वन एस पॉसिबल है राइट, बट वन पी नहीं होगा, वो यहीं से समझ में आ रहा है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे पी नहीं है राइट। वैसे ही टू पी आपका पॉसिबल है बट टू डी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि सेकेंड फ्लोर पे डी नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं चार ऑप्शन देकर के विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो वेरी सिंपल यहाँ से आप पता कर सकते हो, जितना फ्लोर नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रूम होंगे, डैट मीन्स नंबर ऑफ सेल जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ सब सेल होंगे, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट सेल है तो उसमें टाइप्स ऑफ सबसेल भी वन है, सेकंड पे दो तो दो टाइप के सबसेल हैं राइट। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एक और पॉइंट कि कहीं पे अगर उसने 4d लिखा है, ऐसे लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, ये आगे का नंबर आपको क्या बता रहा है, सेल को या ऑर्बिट को या फिर यही हमारे लिए क्या हो गया, फ्लोर को, क्योंकि हमने किससे रिलेट किया, फ्लोर से, और ये डी क्या बता रहा है, सब सेल को डैट इज टाइप्स ऑफ रूम को। यहाँ पे हम थोड़ा और भी समझे, जैसे ए सब सेल बोले तो मैं इसको रिलेट करूँगा वन बी एच के से राइट, क्यों ऐसा उसको भी समझाता हूँ, इसको मैं रिलेट करूँगा टू बी एच के से
क्यों? क्योंकि एक प्रैक्टिकल फीलिंग आ जाती है, क्योंकि एस सब सेल छोटा है, उसमें कम लोग रहेंगे तो 1 BHK भी छोटा होता है साइज में, राइट। पी सब सेल थोड़ा उससे बड़ा होगा तो इसलिए 2 BHK भी उससे बड़ा होता है, और सबका डिफरेंट शेप होंगे, राइट, डिफरेंट ओरिएंटेशन होगा। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आएगी, तो जैसे 1 BHK बोलते हैं हमारे माइंड में क्या जाता है कि उसमें एक रूम होगा और एक हॉल होगा, राइट। तो वैसे ही एस सब सेल बोलते ही आपके माइंड में नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएगा, वैसे ही पी सब सेल दैट इज 2 BHK, 2 BHK बोलते हैं आपके माइंड में क्या आ जाता है कि 2 बेडरूम होंगे और एक हॉल होगा, तो वैसे ही यहाँ पे पी सब सेल बोलते हैं आपके माइंड में आ जाएगा कि कितने ऑर्बिटल होंगे, जिसको मैं अभी आगे के वीडियो लेक्चर में बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पर अगर सेल या ऑर्बिट का नंबर एन है, राइट, दैट मीन्स फ्लोर नंबर आपको मालूम है, तो फिर उसी फ्लोर पे कितने सब सेल होंगे तो वो भी उसी के बराबर हो जाएंगे। जो अभी यहाँ पे समझाया कि जितना फ्लोर नंबर होगा उतने ही टाइप्स के रूम होंगे, दैट मीन्स जितना सेल होगा उतने ही सब सेल होंगे। अगर मान लो आप 10वें फ्लोर पे हो तो उस पर टाइप्स ऑफ सब सेल कितने हो जाएंगे, 10। वेरी सिंपल, और ऑलवेज स्टार्ट एस से करना है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, फिर जी, फिर एच एंड सो ऑन। समझ गए बात? नंबर ऑफ ऑर्बिटल डैट मीन्स नंबर ऑफ रूम्स कितने हो जाएंगे, तो जो एन का होगा उसका स्क्वायर कर देना है, राइट। जैसे अगर मैं 5th फ्लोर पे हूँ तो सेल का नंबर 5th हो गया, टाइप्स ऑफ सब सेल 5th हो जाएंगे, उस 5th फ्लोर पे नंबर ऑफ रूम्स कितने हो जाएंगे टोटल, तो 5 का स्क्वायर डैट इज 25, और हर एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये सभी को मालूम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2n², इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि कोई n = 6 6th फ्लोर पे, तो 6th फ्लोर पे होने का मतलब उस फ्लोर पे, उसी फ्लोर पे कितने सब सेल होंगे, 6 टाइप के होंगे, कौन कौन, s p d f g h 2 4 6, ये 6 टाइप के सब सेल होंगे, उसका नाम भी आपको ध्यान में रखना और ऑलवेज ऐसे ही चलना है। फिर अगर उसी फ्लोर पे हमसे पूछा नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो कितना हो जाएगा, 6² डैट इज 36 रूम्स होंगे, और अगर उसी सेल में, राइट, उसी फ्लोर पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पर्सन रह सकते हैं वो पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 36 × 2 डैट इज 72। तो ये है रफीसर का एक पहला ट्रिक। नाउ नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2, डैट इज वेरी सिंपल एंड अगेन वेरी इजी। एजीमिथोल क्वांटम नंबर की वैल्यूज फिक्स होते ही सब सेल फिक्स हो जाएंगे, राइट। फिर सब सेल को हमने क्या बोला था, टाइप्स ऑफ रूम्स रिलेट किया था, राइट। फिर वैल्यूज ऑफ एम क्या होगी, क्योंकि एल पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल या रूम क्या होंगे और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सबको मैंने एक जगह पे लेके आया हूँ। ध्यान से देखो, अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो फिक्स हो गया है वो एस सब सेल है, हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, 1 BHK, क्योंकि इसका साइज छोटा होगा। अब m की वैल्यू क्या होगी, चूँकि l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू एक ही पॉसिबल है, डैट इज 0। जितना नंबर होगा उतना घर बनाना है आपको, राइट। यहाँ पे एक ही नंबर है तो एक घर, 0 मतलब 0 घर नहीं, नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर, राइट। तो एक है तो एक घर बनाना है, राइट, और हर घर में 2 लोग रह सकते हैं मैक्सिमम, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पर्सन जो आप अगर बोलोगे तो वो 2 हो जाएंगे। सिमिलरली अगर L की वैल्यू 1 है तो वो P सब सेल हो गया, फिक्स P सब सेल होंगे, जिसको मैं 2 BHK से रिलेट करूँगा। अब अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 to 1 में -1 0 1, तो टोटल डिजिट कितना आपके पास, 3 डिजिट है, तो इसलिए 3 घर आपको बनाने हैं, राइट। और हर एक का कोडवर्ड होगा, एक घर का -1 कोडवर्ड, एक का 0, एक का 1, राइट। तो 3 घर बन गए और हर घर में 2 लोग, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6, सिंपल है। उसके बाद अगर L की वैल्यू 2 है तो वो फिक्स हो गया है, D सब सेल, जिसको मैं 3 BHK से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चूँकि L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू -2 to 2 में कौन है, -2 -1 0 1 2, टोटल वैल्यूज कितने आ गए, 5, तो इसलिए मैं कितना घर बनाऊँगा, 5 घर बनाऊँगा, 5 ऑर्बिटल बनेंगे, सबका कोडवर्ड रहेगा, राइट। और हर घर में 2 लोग, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। सिमिलरली अगर L की वैल्यू 3 है तो वो F सब सेल हो गया, 4 BHK से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चूँकि 3 है L की वैल्यू, तो -3 to 3 में -3 -2 -1 0 1 2 3, टोटल 7 वैल्यूज आ जाएंगे, इसलिए 7 घर आपको बनाना है, 7 ऑर्बिटल, सबका अलग अलग कोडवर्ड रहेगा, राइट। किसी को भी कोई कोडवर्ड दे सकते हो, लेकिन एक ही घर का कोडवर्ड सेम नहीं हो सकता, और चूंकि 7 घर हैं तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से भी एक कनेक्शन है, आप ध्यान से देखो, S P D F
एस में वन, तो उसके बाद दो ऐड करो, हर बार दो ऐड करते जाओ, तो थ्री, फिर दो ऐड करेंगे तो फाइव, फिर दो ऐड करेंगे तो सेवन, ऐसे राइट। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये ऑड नंबर में रूम्स आ रहे हैं, वन थ्री फाइव सेवन नाइन एलेवन एंड सो ऑन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिटल में हम कर रहे हैं, तो पहले वाले में दो, एस वाले में, पी वाले में, उसमें चार और ऐड कर दो तो सिक्स, फिर फोर ऐड करो तो टेन, फिर फोर ऐड करो तो फोर्टीन, फिर अगर और होता तो एटीन एंड सो ऑन। तो बस समझ में आ गए, तो ये कंसेप्ट को ही समझ लेना। ऑर्बिटल 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर में है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डैट ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो फर्स्ट वाले में 2, फिर 4 ऐड करते जाना है, 2, 6, 10, 14, 18, 22 एंड सो ऑन। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल डे टू डे लाइफ से हमने कनेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर वन में n अगर 4 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला दिया था 2n स्क्वायर हो जाएगा राइट, 2 × 4 का स्क्वायर, डैट इज आंसर विल बी 32। क्वेश्चन नंबर टू में इसमें से NLMS डैट मीन्स चार क्वांटम नंबर की वैल्यू कौन सी पॉसिबल नहीं है, ये पूछा गया। तो ध्यान से देखो, अगर N3 है तो L3 नहीं हो सकता राइट, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो इसलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थ्री में नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपसे पूछा गया, अगर N5 है और M+2 है, तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से समझो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा N5 है, तो N अगर 5 है तो L की क्या क्या वैल्यू होगी, 0, 1, 2, 3, 4, बस इतना ही हो सकता है। और M की वैल्यू L पे डिपेंड करती है, M की वैल्यू 2 कब हो सकता है, जब L की वैल्यू 2 या उससे ग्रेटर हो, तो यहाँ पे हो रहा है राइट। तो इन सब में एक एक आएगा, क्योंकि -L2+L, तो इसमें एक प्लस टू आ जाएंगे, इसमें भी एक प्लस टू आएगा, इसमें भी एक प्लस टू आ जाएगा राइट, क्योंकि फिक्स कर दिया, तो बेटा ध्यान से जाना, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 3 राइट। क्वेश्चन नंबर फोर में नंबर ऑफ सब सेल N4M-2, तो अगेन ध्यान से देखो, N4 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 तक ही जाना है, और चूंकि M-2 लेना है राइट, तो वो कब आ सकता है, जब L की वैल्यू 2 या उससे ग्रेटर हो, तो दो नंबर ऐसे हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो ऐसे पॉइंट का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल विथ N=5, S हाफ है, तो N5 है राइट, तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डायरेक्ट स्पिन क्वांटम नंबर पे उसने कंडीशन लगाया है, और वो सिर्फ एक लेना है, तो डेट मीन्स दूसरा नहीं लेना है, तो वी नो कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2N² डेट इज 50, 50 में से 25 आपका प्लस हाफ रहेगा और 25 माइनस हाफ वाले, तो हमें सिर्फ प्लस हाफ वाले लेना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि डायरेक्ट N के बाद S पे कंडीशन है, L और M पे कंडीशन नहीं है, तो सारे पॉसिबिलिटी लेने हैं राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर N5 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो अभी आपको बताया कि अगर N मालूम है तो ऑर्बिटल डायरेक्ट N² डैट इज 5 का स्क्वायर डैट इज 25। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में अगर N5 है M1 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो अगेन ध्यान से देखो, N5 है और M1 वाला लेना है, प्लस 1 वाला, तो N5 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 तक, इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि M1 आना चाहिए राइट, इसमें और इसमें और इसमें और इसमें आ जाएंगे चार में, चूंकि M+1 है राइट, तो वो हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पूछा है तो हर घर में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो चार ऑर्बिटल हो गए, तो इलेक्ट्रॉन इस केस में कितना हो जाएगा, 8, और इस केस में N2, L1, M-1, S-1, चूंकि चारों क्वांटम नंबर फिक्स कर दिए, तो ऐसे केस में एक ही पॉसिबिलिटी है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 8,1। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, अब आप सारे PYQ प्रॉब्लम को कर सकते हो, ये टोटल 7 प्रॉब्लम भी PYQ ही थे, जिसको मैंने सिंपल अपने इजी ट्रिक से आपको करके बताया है। थैंक यू।